हिमाचल प्रदेश में शिल्पकारों की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें सही स्थान नहीं मिल पाता है। ना ही सरकार की तरफ से शिल्पकारों के लिए कोई अनुदान प्रदान किया जाता है। आज हम ऐसे ही शिल्पकार के बारे में आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो कि पाषाण पर अपनी शिल्पकारिता के हुनर का नमूना पेश करते हैं और इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां अपने आप में ही लाजवाब होती हैं। हम बात कर रहे हैं हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा के शुक्रखड कस्बे की, जहां के रामपाल पिछले कई सालों से अपनी शिल्पकारिता का हुनर लोगों के सामने पेश करते आ रहे हैं। रामपाल ने अपने हुनर से ऐसी ऐसी कलाकृतियां पेश की हैं जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि इस मौके पर रामपाल ने बताया कि हिमाचल में शिल्पकारों के लिए भी एक अलग स्थान होना चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि हिमाचल के शिल्पकारों को एक अलग दर्जा दिया जाए, ताकि वे अपने हुनर को अच्छी तरह निखार सकें। इसी कड़ी में शिल्पकार रामपाल ने वास्तु ज्ञान के बारे में भी जानकारी दी। रामपाल ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हमारे द्वारा बनाई गई कलाकृतियां या अपने किसी करीबी की मूर्ति बनवाना चाहता है, तो वे उनसे संपर्क कर सकता है। सर, आप शिल्पकारी यहाँ पे कार्य करते हैं, कितना समय हो गया सर करते हैं? मुझे ये काम करते हुए कम से कम भी 13 साल हो गए। प्रेरणा कहाँ से आई सर शिल्पकारिता करने में? ये मार्ग मिला शौक से, प्रेम से। प्रेम से बनाते थे छोटी मोटी मूर्तियाँ और वही फिर प्रोफेशन बन गया मेरे लिए। इसमें जितना आगे से आगे करते गए, लोगों का प्रोत्साहन मिलता रहा, छोटा मोटा काम रोजगार की तरह करना शुरू किया और आज आपके सामने। शिल्प कला का जो काम है ये बहुत ही पुरातन है और सरकारें इसकी तरफ ना कोई ध्यान देती हैं, ना शिल्पकारों के लिए कोई इस तरह का कार्यशाला का आयोजन करवाती हैं, जहाँ पे हम अपनी जो प्राचीन कला है इसको हम दुनिया के सामने ला सकें। और जो वास्तु के आधार पर पुरानी संरचनाएं तैयार की जाती थी, कृतियां तैयार की जाती थी, वो सब शिल्प कला के अगर प्रोत्साहन दिया जाए इसको, तो दोबारा से वो चीज़ें जीवित करना आसान हो सकती है। और मेरी कोशिश है कि उसी पुरातन शैली को या पुरानी कला को दोबारा से लाया जाए और उसका नए तरीके से हम उसको इस अपने आज के समय में युवाओं के सामने रोजगार के अवसरों के दृष्टि से या कला की दृष्टि से इसको सिखाएं भी। और सरकारों से यही मांग करते हैं कि वो अपने जितने भी उनके अपने प्रोजेक्ट होते हैं उनमें शिल्पकारों को बुलाए और उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें कार्य सौंपे, ताकि इस कला को बचाया जा सके। तो देखा जाए तो जो आजकल का युग है, आजकल के बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन, वो हमारी जो संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं। आप एक जी जी शिल्पकार हैं और पुरानी संस्कृति को बचाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आने वाली पीढ़ी को यही कहना चाहूंगा कि कला के क्षेत्र में हमारे लिए आय के भी बहुत ज्यादा साधन हैं और जैसे हम यूं कह सकते हैं कि जो वास्तु का हमारे आम जीवन में महत्व रहता है, उसके आधार पर जो संरचनाएं तैयार की जाती हैं या करनी होती हैं, उनको बनाने में और उनको सीखने में ये आज के मतलब जो युवा हैं वो आगे भी आए और इसमें अपनी रुचि दिखाएं, ताकि इस कला को हम आगे से आगे लेके जा सकें। आज हम देखते हैं कि कैलाश मंदिर, अजंता एलोरा, वृद्धेश्वर मंदिर, इस तरह की काफ़ी ऐसी जो पौराणिक संरचनाएं हैं जो हमारी सनातन संस्कृति को बताती हैं। तो मेरा यही युवाओं से आग्रह भी है कि इस कला को अपनाएं और शिल्प कला में आगे से आगे अच्छा योगदान करें। कौन कौन सी मूर्तियां आज तक बनाई हैं आपने और इसके आगे क्या क्या अभी आप क्या क्या कार्य करते हैं? अभी मेरा फोकस
जो हम हमारे देश में महापुरुष हुए हैं, अध्यात्म की दृष्टि से कह लीजिए, सामाजिक दृष्टिकोण से कह लीजिए, जिन्होंने समाज को एक अच्छी दिशा दी, तो उनके स्वरूपों को पाषाण पे बनाना ये मेरी आगे की सोच है, ताकि हम युवाओं के लिए उन महापुरुषों को प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत कर सके। और दूसरा जो हमारी वास्तु है, जो प्राचीन मंदिरों में ही देखने को मिलता था, खासकर इसको दोबारा से चाहता हूं कि इसको दुनिया के सामने ला सकूं और उसी आधार पे काम भी कर सकूं। पत्थर है, इसको पहचान मिले। पत्थर की बात आपने की, पत्थर को ही क्यों चुना? जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है वो पाषाण ही, जिसको हम ऐसे शालिग्राम शिला भी कहते हैं, इसी को मूर्ति के बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और यही सर्वोच्च और शुद्ध मानी गया है। धातु की मूर्ति भी पाषाण की जो संरचनाएं होती हैं वो इनसे कम मूल्यवान होती हैं, क्योंकि पाषाण के ऊपर जो कार्य करना है वो एक अति कठिन कार्य होता है। बाकी इसके लिए हमारे जो शास्त्र हैं वो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, ये कारण है मेन जो पाषाण पे काम करने का। वास्तु की बात आपने की, वास्तु के आधार पर पहले मंदिर बनाए जाते थे, लेकिन आप जो है वो इन बातों को अनदेखा कर रहे हैं। इन बातों को अनदेखा भी करते हैं और वास्तु की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देना चाहता है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। अब ये देखिए आप, ये एक श्री यंत्र का निर्माण किया गया है पत्थर के ऊपर ही, सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि पुराने समय में जो मंदिर का आधार बनाया जाता था वो इन यंत्रों के ऊपर बनाया जाता था और इन यंत्रों के ऊपर इन मंदिरों की नींव स्थापित की जाती थी, और जो यंत्रों के केंद्र होते हैं यहीं पे गर्भगृह कहा जाता था और मंदिरों में इसी के नीचे मूर्ति स्थापित की जाती थी, जो कि आज के समय में ये वास्तु लुप्त तो हो चुका है। और इस कला के माध्यम से मेरा ये विचार है कि मैं वास्तु की महत्व को सामने ला सकूं और इस कला को आगे बढ़ा सकूं करके शुरू किया हुआ है। तो यहीं पे शुक्रखंड में कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी फोन नंबर के माध्यम से और फेसबुक पेज के माध्यम से वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कौन सा फेसबुक पेज है आपका? क्या JBP आर्ट्स। और फोन नंबर एक बार बता दीजिए। 8219351137।